When you smoke, so do the people around you. It can irritate their eyes, bring on asthma attacks, and even chest pains. Worst of all, your smoke can cause their lung cancer. Every BD cigarette brings you and those around you closer to asthma and lung cancer, and emphysema and heart disease. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है बीबी बीमार है अंदर है क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली बीमारी और तो खर्चा इतना तो तो सिगरेट कितने की दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बकरा है ये देख मौत है इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी मत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच आभासिरी ये पीने में नहीं है ये देने में नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सम्राट पृथ्वीराज का रिव्यू करने जा रहे हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का रिव्यू सम्राट पृथ्वीराज कलाकार हैं इसमें अक्षय कुमार संजय दत्त सोनू सूद मानुषी छिल्लर आशुतोष राणा मनोज जोशी आदि लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी निर्माता आदित्य चोपड़ा बैनर यशराज फिल्म्स दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज आखिरकार सिनेमाघरों में आ ही गई हिंदी सिनेमा का क्रेज दुनिया भर में कैसा है इसकी गवाही यहाँ अबू धाबी के उस सिनेमा घर में मिली जहाँ सम्राट पृथ्वीराज को देखने अच्छे खासे लोग जुटे इन लोगों में किसी ऐतिहासिक फिल्म या अक्षय कुमार की फिल्म या यशराज की फिल्म देखने से ज्यादा क्रेज रहा एक नई फिल्म देखने का आम सिनेमा प्रेमी के लिए शुक्रवार के यही मायने हैं उसके लिए हर शुक्रवार एक नई आशा एक नई उम्मीद लेकर आता है उम्मीद रहती है कि कभी तो हिंदी सिनेमा अपने सितारों के आभा मंडल से बाहर निकलेगा कहानियों पर ढंग से काम करेगा कैमरे के सामने ठीक से अभिनय ना कर पाने पर सुपर सितारों को टोकेगा लेकिन नहीं यहाँ फिल्में अब भी सिर्फ इसलिए बनती हैं कि अक्षय कुमार ने किसी फिल्म के लिए हाँ कर दी है एक कहानी उस कहानी के लिए हाँ करने वाला एक सितारा और उस ऐसे व्यक्ति जो इन दोनों के साथ ला सके हिंदी फिल्म सिनेमा में किसी भी तरह की फिल्म बन सकती है यानी कि बनाई जा सकती है सम्राट पृथ्वीराज ऐसी ही एक फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर बेल बॉटम और बच्चन पांडे के बाद अक्षय की साख का इम्तिहान लेती एक और फिल्म फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कहानी पूरी फिल्म है चंद बरदाई के लिखे महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा जाता है कि इसे चंद्र बरदाई ने ही वही तक लिखा है जहाँ तक इसमें पृथ्वीराज चौहान का यश गान है उसके बाद इनका हिस्सा परिजनों ने पूरा किया और इस अंत के बारे में ही इसके लेखक निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने पूरी छूट ले ली थी अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज से पहले ही दिन अपील की थी कि इसे देखने वाले फिल्म की अहम बातें लीक ना कर दें ताकि दूसरों का ये फिल्म देखने का मजा किरकिरा ना हो जाए लेकिन फिल्म की शुरुआत और अंत में जो कुछ भी है वो चंद बरदाई के लिखे से मेल नहीं खाता कहानी शुरू होती है पृथ्वीराज को बंदी के रूप में दिखाने से उसके सामने मौका है अपनी जान बचाने का अगर वह मोहम्मद गौरी के सामने सिर झुका दे इस मौके का पूरे फिल्म में उपयोग होता है पृथ्वीराज की जय जयकार करने का दर्शकों को मौका भी मिलता है लेकिन उससे पहले ही फिल्म की कहानी अतीत में चली जाती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जन श्रुति है कि 11 साल में अजमेर के राजा बने और जवानी में ही शहीद हो गए अक्षय कुमार को इस युवा राजा के रूप में लेना ही फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है शुद्ध हिंदी बोलना उसके लिए चुनौती रही है अनुस्वार का उच्चारण उनसे होता ही नहीं एक राजा की आन बान और शान के हिसाब से वह अपनी चाल ढाल को बदलते हैं लेकिन उनकी संवाद अदायगी उनकी सबसे बड़ी कमजोर बनकर रह जाती है कोरोना संक्रमण काल में मसीहा का तमगा पाने वाले सोनू सूद को ऐसे किरदारों में देखकर उनके प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगेगा संजय दत्त ने अपनी पिछली फिल्म के जी एफ चैप्टर टू में जो कमाया था वह सब यहाँ गवाया है मानव वेज और आशुतोष राणा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उनसे हिंदी सिनेमा के दर्शकों को उम्मीद और ज्यादा रहती है फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से बड़े पर्दे पर अपनी बोनी कर रही विश्व सुंदरी मानुषी चिल्लर के लिए भी इस फिल्म में आगे की राह मुश्किल कर दी है अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर के अलावा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की तीसरी कमजोर कड़ी इसका लेखन और निर्देशन है चंद्रप्रकाश द्विवेदी का कहना रहा है कि इस फिल्म पर उन्होंने पंद्रह साल रिसर्च की है लेकिन यह मेहनत वह पर्दे पर उतार नहीं पाए हैं। उनकी फिल्म कल्पनाओं से पानी पाती इसकी कहानी को इसकी पटकथा कमजोर कर देती है और अक्षय कुमार ने वह सम्राट पृथ्वीराज जैसा अभिनय भी, भी नहीं कर पाए यहाँ ये बात भी जाहिर होती है कि हिंदी फिल्मों के सुपर सितारों को निर्देशित कर पाना आसान नहीं फिल्म में अक्षय कुमार के दृश्यों को निर्देशित करने में काम चलाव तरीके से काम लिया गया और यही फिल्म के लिए नुकसान देह बात साबित हो गई। बताते हैं कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 300 करोड़ रुपए की मेकिंग और प्रचार लागत की बनी है ये भी कहा गया कि सिर्फ इसके सेट्स बनाने पर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अगर फिल्म के सेट्स और, और इसमें इस्तेमाल किए गए विजुअल इफेक्ट्स यशराज फिल्म्स की तकनीकी दक्षता की मिसाल हैं, तो ये फिल्म इस कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली फिल्म है फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एक ऐतिहासिक फिल्म की कसौटी पर खरी नहीं है और फिल्म का संपादन भी कमजोर है शंकर एहसान और लॉय की तिकड़ी जरूर फिल्म के गानों में राजस्थानी रंग भरने की कोशिश करती है लेकिन गाना ऐसा कोई भी नहीं है जो फिल्म खत्म होने के बाद आपको याद रह जाए अक्षय कुमार ने कोरोना संक्रमण काल से पहले और कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस रफ्तार से दोनों हाथों से फिल्में बटोरी उन फैसलों में से उनके करियर के खतरे में डाल दिया जाता है फिल्म सम्राट पृथ्वीराज उनकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म बनी तो आगे की फिल्मों को लेकर उनका संकट और बढ़ने वाला है इस फिल्म में अक्षय कुमार के कट्टर प्रशंसकों को निराशा ही होनी है फिल्म अपनी रिलीज से पहले बनाए गए माहौल पर खरी नहीं उतरती है इससे कुछ हफ्ते बाद प्राइम वीडियो पर देखने का इंतजार कर लेना ही बेहतर रहेगा तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए क्यूँकी आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे अभी एक लंबिदा चाहेंगे अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी जय हिंद